हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनीशी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर्टी एंड वी विल स्टडी पावर्टी को डिफाइन कैसे किया जाता है वी विल आल्सो स्टडी कि पावर्टी को एस्टिमेट करने के लिए कौन से अलग अलग तरीके इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी अपनाए जाते हैं पावर्टी के डायमेंशंस हम स्टडी करेंगे क्योंकि पावर्टी की डेफिनेशन ओवर टाइम चेंज होती गई है और फाइनली हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स देखेंगे जो पावर्टी एलीविएशन के लिए यानी पावर्टी को रिमूव करने के लिए लिए गए हैं पावर्टी हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और प्रेजेंट सिचुएशन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर पावर्टी के केसेस इंस्टेंसेस और पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं तो इसलिए हम इसे स्टडी करने वाले हैं टू एक्सेस आर ऑनलाइन कोर्सेज प्लीज़ विजिट द वेबसाइट दैट वी हैव शोन ऑन योर स्क्रीन्स वी आर ऑफरिंग कोर्सेज फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यू पी एस सी एस एस सी बैंकिंग एंड अदर एग्जाम्स सो प्लीज़ विजिट द वेबसाइट पावर्टी जनरली अगर हम पावर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि पावर्टी इज़ अ सिचुएशन वेन पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई देर बेसिक नीड्स यानी कि आपकी रोटी कपड़ा मकान ये तीन बेसिक नेसेसिटीज़ होती है और ग्लोबली इसे एक्सेप्ट भी किया गया है जब आप ये तीन बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पाते हैं तब आपको पावर्टी लाइन के नीचे रखा जाएगा डेफिनेशन और मेथड्स अलग अलग होंगे और पावर्टी के टाइप्स भी अलग अलग होंगे जो हम आने वाले कुछ मिनटों में डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक जो एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसने पावर्टी को अलग अलग डायमेंशन दिए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिस भी इंडिविजुअल की इनकम लो है इन-एडिक्वेट फिजिकल सिक्योरिटी है यानी कि शेल्टर नहीं है इन एबिलिटी टू अक्वायर बेसिक गुड्स मतलब खाने पीने का बेसिक सामान नहीं ले सकता है लो लेवल्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन है इन सफिशेंट कैपेसिटी टू बेटर देयर लाइफ मतलब अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट करने का उनके पास चांस नहीं तो एक तरह से डिप्राइव्ड सिटीजन्स या क्लीन वॉटर और सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है इन सभी लोगों को पुअर या पॉवर्टी के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है तो आप देखें कि इसकी डेफिनेशन ब्रॉड होती चली गई सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि खाने को खाना नहीं है घर पे छत नहीं है और अगर कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो पावर्टी है उसके और भी डायमेंशन हैं। इवन इफ यू हैव द अबव थ्री तब भी अगर आपके पास एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है तो भी आप पुअर की कैटेगरी में ही आएंगे तो ये बात आपने याद रखनी है पावर्टी को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं जैसे ह्यूमन पॉवर्टी को हम यह कह सकते हैं कि इट इज द लैक ऑफ ह्यूमन केपेबिलिटीज लिटरेसी न्यूट्रिशन हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो चीजें चाहिए एजुकेशन हेल्थ नॉलेज वो सब अगर आपके पास नहीं है तो आप ह्यूमन पॉवर्टी से सफर करते हैं इनकम पॉवर्टी सिंपल जो हम जनरली सोचते हैं कि यह पर्सन इतने दिन में इतने पैसे कमाता है तो यह पुअर है अगर इससे ज्यादा कमाता है तो पुअर नहीं है सिंपल इनकम पॉवर्टी लेकिन वर्ल्ड बैंक एक

चैड नाइजर ये सब कंट्रीज फिर आती हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज यहां पर पर डे यानी हर एक इंडिविजुअल एक दिन में 3.2 डॉलर्स कमाता है तो उसे लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसी ब्रैकेट के अंदर आता है नेक्स्ट कैटेगरी है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे रशिया यहां पर फाइव पॉइंट पर पर्सन पर डे ये है आपकी इनकम ठीक है पर पर्सन पर डे तो समझ आ गया कि पूरी इनकम को आप पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते होंगे तो पर पर्सन मिल जाता है और फिर उसके बाद आप उसको एवरी डे दे, डेली इनकम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया तो पर डे इनकम आ गई अमेरिका जैसे डेवलप नेशंस या वेस्टर्न यूरोप के डेवलप नेशंस को हाई इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में रखा गया है यानी कि यहां की पॉवर्टी लाइन ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन डॉलर्स पर कैपिटा पर डे ये होगी तो हमारी कंट्री का टारगेट है कि अपर मिडिल और हायर इनकम कंट्रीज के अंदर जाए अनफॉर्चुनेटली अभी वो लोअर मिडिल कंट्रीज में आता है पावर्टी को समझने का एक और तरीका है एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब कि जब आपके पास बेसिक कंडीशन जैसे कि फूड ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ शेल्टर ये सब नहीं है तो आपको एब्सोल्यूट पुअर बोला जाएगा किसी से कंपेयर नहीं किया जाएगा ठीक है तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि इतने पैसे अगर आपके पास नहीं है या इतना खाना आपके पास नहीं है तो आप एब्सोल्यूट पुअर हैं इसमें कंपैरिजन नहीं होता है सो इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इनकम बट ऑल्सो एक्सेस टू द सर्विसेज ठीक है रिलेटिव पॉवर्टी दूसरी तरफ क्या है रिलेटिव पॉवर्टी इज वैन पीपल आर कंपेयर टू अदर्स तो मैं एक कंपेरिजन बनाता हूं कि एटलीस्ट इस सोसाइटी में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इतने इनकम चाहिए इतना खाना चाहिए इतना न्यूट्रिशन चाहिए इतनी हेल्थ चाहिए ठीक है तो मैंने एवरेज स्टैंडर्ड ले लिया पूरी सोसाइटी का और फिर मैं उस एवरेज स्टैंडर्ड से उस पर्सन को कंपेयर करता हूं कि हां इस बंदे को कंट्री के एवरेज के हिसाब से कम इनकम मिल रही है तो वो क्या होगा रिलेटिव पावर्टी रिलेटिव का मतलब समझिएगा कंपेरिजन होता है एब्सोल्यूट का मतलब कहीं कंपेरिजन नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंट्रीज एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हिसाब से पुअर नहीं है लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी के हिसाब से पुअर है तो जैसे अगर मैं इंडिया को अमेरिका से कंपेयर करूं तो रिलेटिवली इंडिया पुअर है और अगर इंडिया को मैं अफ्रीका से कंपेयर करूं तो रिलेटिवली इंडिया रिच है पुअर नहीं है ये तो रिलेटिव कंपैरिजन हो गया लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया में अभी भी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिस्ट में आता है और वहां पे बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे सो कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट ये आपने देखा पॉवर्टी एक ट्रैप की तरह काम करती है जो आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा यह आपको बता रहा है कि लो इनकम सबसे पहले आपकी अगर इनकम लो है तो आपकी सेविंग लो होगी पैसे की बचत कम होगी पैसे की बचत कम होगी तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे और इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगी क्योंकि सारों की इन्वेस्टमेंट मिला के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जाएगा ठीक है तो ये क्राइटेरिया आपको दोबारा लो इनकम की तरफ ले आएगा अगर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होगी तो आपकी जेब में भी पैसे कम आएंगे अगर मैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग है ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से है लेकिन डेवलपमेंट बाकी एस्पेक्ट भी देखता है तो अगर मैं डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से देखूं तो अगर मेरी लो इनकम होगी तो मैं एजुकेशन और हेल्थ में कम स्पेंड करूंगा बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं उनको इम्यूनाइज़ नहीं करवाऊंगा अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ह्यूमन कैपिटल के लो लेवल हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपकी एबिलिटीज़ क्या आपके पास एडिकुएट एजुकेशन है जॉब्स के लिए क्या आपके पास एडिकुएट हेल्थ है अपनी लाइफ में जॉब को कंटिन्यू करने के लिए तो आप इम्प्लॉयबल नहीं होगे तो जब आप इम्प्लॉयबल नहीं होगे तो आप प्रोडक्टिविटी नहीं दोगे सोसाइटी को और जब आप प्रोडक्टिविटी नहीं दोगे तो दोबारा लो इनकम ही मिलेगी आपको तो ये परपेचुअल साइकिल बन जाता है पावर्टी का ये परपेचुअल साइकिल आई होप आपको समझ आ गया होगा हमारी कंट्री में पावर्टी को एस्टिमेट करना बहुत सालों से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और अलग अलग कमिटीज़ ने इसके अलग अलग तरीके और मेथड्स बताए हैं एक एक करके जल्दी से उन मेथड्स को हम देख लेते हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी पावर्टी का एस्टिमेट किया गया 2014 तक दैट वाज बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंजम्पशन सर्वे यानी कि वो कुछ सैंपल नंबर ऑफ हाउस को सेलेक्ट करते थे और उनमें जाके कंजम्पशन से रिलेटेड सवाल पूछते थे कि आप कौन से खाने की आइटम्स कंज्यूम कर रहे हो कौन से कंज्यूमेबल गुड्स कंज्यूम कर रहे हो और इन सवालों के बेसिस के ऊपर पावर्टी एस्टिमेशन किया जाता था 2014 तक पावर्टी एस्टिमेशन का, का काम प्लानिंग कमीशन संभालता था और अब 2014 के बाद से नीति आयोग ने इस चीज को ओवरटेक किया तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने बनाई कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाई के अलग और इनकी कमेटी आई 1979 में और इसका अप्रोच था ट्रेडिशनल मतलब अगर पुअर देखना है तो यह देखना पड़ेगा कि इनकम कितनी है इनकम के हिसाब से मैं पॉवर्टी लाइन डिफाइन करूंगा कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर ये इसकी इनकम है तो इससे ऊपर पॉवर्टी लाइन में डिफाइन कर दूंगा लेकिन इस इनकम को कैसे डिफाइन किया गया कैलरी काउंट से यानी कि खाने के लिए एक ही बेसिस क्या खाने के लिए कितनी कैलरीज कंज्यूम करता है एक एवरेज इंडिविजुअल ठीक है और उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो रूरल एरिया में रहने वाले इंडिविजुअल के लिए 2400 कैलोरीज पर डे और अर्बन एरिया में रहने वाले के लिए 2100 कैलोरीज पर डे क्योंकि रूरल एरिया में गांव में रहने वाले बंदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसलिए उसे ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी इस बेसिस के ऊपर ये पावर्टी लाइन डिफाइन की गई 2400 का खाना खाने के लिए जितना पैसा मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा जितना पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा वो हो गई पावर्टी लाइन और अर्बन एरियाज में 2100 तो कैलरी इनटेक के हिसाब से पावर्टी लाइन डिफाइन की वाई के अलग ने वो लाइन मैंने आपको बताई तो लॉजिक यही था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है

यही पुट फॉरवर्ड किया कि ये 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी वाला पावर्टी लाइन हम आगे जारी रखेंगे लेकिन उन्होंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए उन्होंने ये कहा कि स्टेट्स को अपने अपने स्पेसिफिक पावर्टी लाइंस डिफाइन करनी चाहिए तो आपने एक नेशनल पॉवर्टी लाइन तो डिफाइन कर दी लेकिन हर एक स्टेट के पावर्टी लेवल्स अलग अलग हैं बिहार आसाम उड़ीसा यूपी यहाँ पे पॉवर्टी लेवल्स हाई है और इन एरियाज में आपको पावर्टी लाइन थोड़ा नीचे रखनी पड़ेगी क्योंकि एवरेज इनकम ही कम होगी और बाकी स्टेट्स के अंदर आपको थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा बिकॉज नाउ दे आर डेवलप्ड स्टेट्स ओके तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन हो और वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से डिफाइन हो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये एक इन्फ्लेशन का मेजर है यानी कि प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं चीजों के आइटम्स के कंज्यूमेबल आइटम्स के वो आपको यहां से पता लगता है अगर आप इन्फ्लेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक और वीडियो है उससे आप इसके बारे में जान सकते हैं नेक्स्ट आता है 2005। 2005 में बनी सुरेश तेंडुलकर जी की चेयरमैनशिप में एक और कमेटी अगेन प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी और उसने जो प्रीवियस लकड़ा वाला और अलग कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए कहा टू में जो ये कमेटी बनी उसने कई चेंजेस लाए सबसे पहले उसने पिछले मेथड्स में बताया कि भाई ये शॉर्ट कमिंग है क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पैटर्न जो 1973 के हिसाब से चल रहा है वो चेंज हो गया यानी कि पहले नाइनटीन में आप किन चीजों पे खर्चा कर रहे थे एक एवरेज हाउस होल्ड वो चीजें वो आइटम्स अब चेंज हो चुकी हैं तो 1973 में अगर आप साइकिल पे खर्चा कर रहे थे तो 2005 में आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पे खर्चा करोगे ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे। हेल्थ और एजुकेशन ये चीजें तेंडुलकर कमेटी ने बोला कि आप इग्नोर करते जा रहे हो लेकिन अब हेल्थ और एजुकेशन भी पॉवर्टी का एक एस्पेक्ट बनना चाहिए और यह भी कहा कि देर शुड बी अ मिक्सड रेफरेंस पीरियड राधर देन अ यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड मतलब आप ऐसा नहीं कहोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपने कितना खर्चा किया आप पिछले साल में पूरे खर्चे को एनालाइज करोगे कि आज से छः महीने पहले आपने कितना स्पेंड किया फिर बारह महीने पहले तो ऐसे आप एक रफ एस्टिमेट निकालोगे ने जब इन सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया और पॉवर्टीमेशन दिया तेंडुलकर तो कमेटी ने पॉवर्टी लाइन क्या रखी यह भी देखना है एट हंड्रेड सिक्स रुपीज पर मंथ पर पर्सन ठीक है तो पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूं एट हंड्रेड सिक्सटीन रुपीज पर मंथ पर पर्सन रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ पर पर्सन क्योंकि अर्बन में ज्यादा खर्चा होता है चीजें महंगी होती है ठीक है जेनविन रीजन है और इनके हिसाब से पूरे इंडिया का ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन परसेंट पॉपुलेशन पुअर है मतलब एट हंड्रेड सिक्सटीन से कम और वन थाउजेंड से कम वो कमाता है ये तेंडुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन थी नेक्स्ट रंगराजन कमेटी सी रंगराजन एक बहुत ही जाने मान इकोनॉमिस्ट है और इंडिया के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं 2012 में प्लानिंग कमीशन ने अपनी आखिरी कमेटी बनाई जिसका नाम था रंगराजन कमेटी और इस कमेटी ने कहा कि हमें तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन में और सुधार लाने पड़ेंगे हमने ये देखा कि जो फूड आइटम्स हैं या जो आइटम्स हैं जिनका आप पूछते हो कि आपने इतना कंजम्पन किया इसका है ना हाउस होल्ड सर्वे में पूछते हो हर एक घर जाके तो उस आइटम्स के बास्केट को इंक्रीज करना पड़ेगा फूड नॉन फूड हेल्थ केयर इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अगेन जैसे मैंने कहा तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैसेट रिकॉर्डर यूज करते थे नाइन्टीज में तो उसकी जगह आप टू के अंदर सी डी प्लेयर्स वॉकमेन्स या इवन टू थाउजेंड ट्वेल्व की बात कर रहे हैं तो यू विल यूज सम एम पी थ्री प्लेयर बाई करोगे है ना ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जस्ट तो उस कंजम्पन एक्सपेंडिचर के बास्केट में चेंज लाने पड़ेंगे और अर्बन पावर्टी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अर्बन पावर्टी पे एक अलग से कमेटी बनी थी अभी हम देखेंगे तो रंगराजन साहब ने कहा कि मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से 972 हंड्रेड होनी चाहिए पावर्टी लाइन तो बढ़ा दी है ना पहले वाले ने 816 कहा था इसने 972 कहा और अर्बन एरियाज में 1400 होनी चाहिए चौदह सौ रुपए होनी चाहिए पावर्टी लाइन रंगराजन कमेटी के हिसाब से अगर हम देखते तो 29.6 ऑफ ट्वेंटी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता क्योंकि जब आप पॉवर्टी लाइन को बढ़ाओगे ऊपर करोगे तो और ज्यादा लोग उसके अंदर आएंगे और ड्यू टू द रीजन बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट्स उन्होंने पॉवर्टी लाइन के इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कहा ठीक है आपने ये रिकमेंडेशन निकाली है हम इसे देखेंगे लेकिन सुरेश तेंडुलकर वाली जो पॉवर्टी लाइन थी उसी को कंटिन्यू किया गया और उसी को पॉवर्टी लाइन माना गया

अब ये बीपीएल कार्ड्स से क्या होता है कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आपको प्रोविजन मिलते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं ही सेड कि अब हम डेप्रीवेशन क्राइटेरिया पे काम करेंगे तो अब ये इनकम लेवल या कैलरीज कंजम्पशन या आप कितना पैसा खर्च करते हो ये सब क्राइटेरिया हो गए हैं पुराने अब आपको डेप्रीवेशन निकालना होगा डेप्रीवेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर फैमिली कौन से ऐसे हालातों से गुजर रही है जिनसे हम ये पता लगा सके कि रिलेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में वो फैमिली पुअर है तो उसके लिए डिप्रीवेशन क्राइटेरिया बताने जरूरी है ये आपको और अच्छे से समझ आएगा अभी कुछ समय में जब मैं आपको सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बताऊंगा, साथ ही साथ कैलरी वाली जो डेफिनेशन थी कि कितनी कैलरीज पे इतना कंजम्पशन होता है उसको हटा दिया गया और नए क्राइटीरियाज बताए जैसे लैंड होल्डिंग कितनी है आपकी आपकी क्लोदिंग पे एक्सपेंडिचर कितना है आपकी हाउसिंग पे एक्सपेंडिचर कितना है या हाउसिंग किस तरह की है कच्चा हाउस है पक्का हाउस है तो ये सारी चीजें क्या होने लग गई डिप्रीवेशन क्राइटेरिया बनने लगी लग तो अब आप एक नए क्राइटेरिया की तरफ बढ़ रहे हो जिसमें सिर्फ इनकम पॉवर्टी को नहीं देखा जाएगा या आपकी एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो आप उस पर नहीं देखा जाएगा और भी कई सारे फैक्टर आएंगे एस आर हाशिम कमेटी ये कमेटी बनी 2010 में और प्लानिंग कमीशन के अंडर ही और इसने अर्बन पावर्टी के ऊपर स्टडी की अर्बन पावर्टी का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे होता है अर्बन एरियाज में स्लम एरियाज के अंदर और इसने ये कहा कि अर्बन पुअर को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई अर्बन पुअर तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर उनके ड्वेलिंग यूनिट्स या हाउसेस टेम्प्रेरी है अगर उस हाउस होल्ड के मेंबर्स अनएम्प्लॉयड है अगर उस हाउस होल्ड में वेमेन या माइनॉरिटीज हेड ऑफ द फैमिली है ठीक है तो ब्रेड विनर जिसको कहते हैं वो विमेन है या माइनॉरिटी है लो लिटरेसी लेवल्स हैं या डिसेबल्ड और क्रॉनिकली इल मेंबर्स हैं तो यह बिल्डअप हो रहा है जब हम सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस देखेंगे और उसमें डेप्रीवेशन के क्राइटेरिया देखेंगे तो यही क्राइटिरिया कुछ हम दोबारा देखने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक और कमेटी बनाई और इस कमेटी का नाम था प्रणब सेव कमेटी और इस कमेटी का नाम था प्रणब सेन कमेटी इस कमेटी ने स्लम्स एरिया या स्लम एरिया पे फोकस किया प्रणब सेन चीफ स्टेटिस्टिशन ऑफ इंडिया रह चुके थे और उन्होंने कहा कि हम स्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ये सेंटर हैं आपके अर्बन पॉवर्टी के इन्होंने स्लम्स को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर डेफिनेशन दी और इस कमेटी ने यह भी कहा कि इंडिया के अंदर स्लम की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 9 करोड़ के करीब है मतलब 93 मिलियन के करीब है विच इज अ वेरी बिग अमाउंट और इस पॉपुलेशन को आप अज्यूम करके चलो कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे ही आते होंगे 99% ऑफ बीस तो स्लम एरिया की प्रॉपर डेफिनेशन दी इन्होंने कि अ कंपैक्ट सेटलमेंट ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी हाउस होल्ड जो मतलब बीस हाउस होल्ड होने जरूरी है स्लम बुलाने के लिए कलेक्शन ऑफ पोअरली बिल्ड टेनिमेंट्स पक्के नहीं होने चाहिए वो हाउस होल्ड पोरली बिल्ड होने चाहिए मोस्टली टेम्पररी क्राउडेड टुगेदर इन एडिकुएट सैनिटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर कंडीशन तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन स्लम एरिया की दी तो स्लम एरिया को जब रिडेवलप करने की स्कीम्स आई गवर्नमेंट के द्वारा तो ये डेफिनेशन के हिसाब से क्राइटेरिया बनाएंगे नेक्स्ट हम चलते हैं 2011 के अंदर कंडक्ट किए गए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के पास इस कास्ट सेंसस ने पावर्टी के डायमेंशन को बिल्कुल ही बदल दिया और आगे हम पावर्टी कैसे डिफाइन करते उसको पिछले वाले सारी एस्पेक्ट या कंसेप्ट से अलग बना दिया कैसे आइए जानते हैं थ्री सेपरेट अथॉरिटीज के अंदर पहले तो ये कंडक्ट किया गया सर्वे लेकिन जो सबसे लीडिंग अथॉरिटीज के अंदर थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और बेसिकली ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में कंडक्ट हुआ था ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज में कंडक्ट हुआ बट इसकी नोडल मिनिस्ट्री दे दी गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तीन तरीके के सर्वे इसमें किए गए पहला रूरल एरियाज के अंदर सर्वे और वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया दूसरा अर्बन एरियाज के अंदर सर्वे और वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कंडक्ट किया और तीसरा सर्वे था कास्ट सेंसस यानी कि आप कास्ट भी उनसे लोगों से पूछने वाले ये डिटरमिन करने के लिए कि कितने कितने कास्ट के कितने लोग इंडिया में रहते हैं और ये सेंसस कास्ट सेंसस रजिस्ट्रार जनरल के अंडर हुआ जो इंडियन की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पार्ट है होम मिनिस्ट्री का पार्ट है तो तीन सेंसस अर्बन रूरल एंड कास्ट सेंसस तीनों को मिला के हमने ये डिसाइड किया कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में हम कुछ डेप्रीवेशन क्राइटेरिया बनाएंगे जैसे हमने हाशिम कमेटी में देखा था कि उन्होंने कुछ डेप्रीवेशन क्राइटेरिया बताए कि अगर ये ये चीजें हैं इस घर में इस हाउस होल्ड में तो उसको हम डिप्राइव्ड हाउस होल्ड कहेंगे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ने तीन कैटेगरीज आपको दी कैटेगरी नंबर वन इन कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड को डेप्रीवेशन से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा मतलब अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आपका घर फुलफिल करता है हाउस होल्ड फुलफिल करता है तो आप उस डेप्र या पुअर कैटेगरी में नहीं आते वो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन के क्या क्राइटेरिया थे अगर आपके पास टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर यानी कि मोटर व्हीकल है अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है मशीनरी बेस्ड अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है जिसमें पचास हजार की क्रेडिट लिमिट है अगर आपके पास घर में कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये सब क्या एक्सक्लूड कर रहे हो अगर ये सब क्राइटेरिया होंगे तो ये पॉवर्टी लाइन में या डेप्रीवेशन में नहीं आएंगे जिनके नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज है, है ना जिन हैल्ड में नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज है सेल्फ एम्प्लॉयड किसी भी मेंबर ऑफ फैमिली को दस हजार महीना से ज्यादा तनख्वाह या इनकम मिलती है वो अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं तीन से ज्यादा कमरे वाले पक्के हाउस में रह रहे हैं रिफ्रिजरेटर है लैंडलाइन फोन है इरिगेटेड लैंड है पर्टिकुलर एरिया का ठीक है तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो इसका मतलब यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड आप डिप्राइव नहीं हो सकते क्योंकि ये सब तो निशानी है कि आप सोशली और इकोनॉमिकली थोड़े हाई लेवल पे हो दूसरी कैटेगरी थी कि कुछ हाउस होल्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे मतलब ये ऐसे क्राइटेरिया थे जिनको देखने पे अगर मैं इसको टिक लगा दूं सर्वे के अंदर तो आप डिप्राइव्ड हैं उसके बाद मुझे कोई सवाल नहीं पूछना एग्जाम्पल हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर है ना तो बिना घर के बिना छत के रह रहे हो डेस्टिट्यूट एंड लिविंग ऑन आर्म्स मतलब आपको लोगों की दिए हुए पैसों के ऊपर या भीख के ऊपर जीना पड़ रहा है डोनेशन के ऊपर जीना पड़ रहा है मैनुअल स्वेंजर्स यानी कि जिन लोगों को अनसेनेटरी लेटरिन ड्रेनेज इन सबको साफ करने का काम दिया जाए वो लोग ठीक है फिर उनसे ये हाउस होल्ड का क्राइटेरिया नहीं पूछेंगे अगर मैनल्स कैवेंजर है तो ऑटोमेटिकली डिप्राइव्स प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स तो ट्राइबल ग्रुप्स में भी कुछ 75 फाइव ऐसे ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर जिनको प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया और उनको बोला गया कि आप इस क्राइटेरिया में अगर आते हो तो यू विल बी डिप्राइव्ड लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी से आप रिलीज हुए हो तो आप डिप्राइव्ड कैटेगरी में आते हो और तीसरी कैटेगरी थी जो इन दोनों के अलावा है तो वट एवर रिमेनिंग हाउस होल्ड आर देयर विल बी इन दर्ड कैटेगरी और फिर हम उसमें देखेंगे कि आपको डेप्रीवेशन के क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे ठीक है तो सात डेप्रीवेशन के क्राइटेरिया बनाए फिर ये देखा कि अगर आप इन डेप्रीवेशन के क्राइटीरिया को मीट कर रहे हो जैसे सात इंडिकेटर हैं तो सात में से पांच कर रहे हो चार कर रहे हो तीन कर रहे हो एक कर रहे हो उस हिसाब से आपको डेप्रीवेशन स्कोर दिया जाएगा ठीक है और उस हिसाब से आपका लेवल देखा जाएगा कि पॉवर्टी के ग्राफ में आपका कितना लेवल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल डिप्रीवेशन इंडिकेटर क्या है अगर आपकी फैमिली में 16 से 59 का कोई एडल्ट मेंबर है ही नहीं अगर आपकी फैमिली के फीमेल हाउस होल्ड हेड है मतलब आपका हेड ऑफ द फैमिली फीमेल है अगर आपकी फैमिली में डिसेबल्ड मेंबर है और एडल्ट मेंबर कोई भी नहीं है जिसकी एबल बॉडी हो है ना तो ये डिप्रीवेशन के क्राइटेरिया है ये ऑटोमेटिक एक्सक्लूडेड ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इसके अलावा है एससी एस टी हाउस होल्ड अगर आप हैं अगर आपकी घर में 25 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी इंडिविजुअल लिटरेट नहीं है और अगर आप लैंडलेस हाउस होल्ड है जो कैजुअल लेबर में एम्प्लॉयड है तो ये कैटेगरीज डिफाइन कर दी सात और फिर इन सात कैटेगरीज में से आप जितने फुलफिल करते हो उसके हिसाब से आपको डिप्रीवेशन का स्कोर दिया जाएगा कि हाँ आप 50% परसेंट डिप्राइव हो 70% ऐसे और फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर यहां पे मदद मिलेगी तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई तो तीन कैटेगरी क्या है सोशो इकोनॉमिक में ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एंड सेवन डिप्रीवेशन क्राइटेरिया तो सोशो इकोनॉमिक सेंसस ने क्या पाया कि रूरल प्लस अर्बन सबको मिला के अराउंड ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री करोड़ हाउस होल्ड जो है वो डिप्राइव है किसी ना किसी कैटेगरी से वो डिप्राइव है

एस्टिमेट लगा सकते हो ये सारे के सारे ढो गए डिप्राइव ओके नो लिटरेट एडल्ट ये भी हमने देखा ये भी एक डिप्रीवेशन क्राइटेरिया है तो 4.2 पॉइंट टू करोड़ हाउस होल्ड ऐसे हैं कोई भी लिटरेट एडल्ट नहीं है मैनुअल कैजुअल लेबर करने वाले 9 करोड़ हाउस होल्ड है और 5.3 करोड़ कल्टिवेटर्स इंडिया के अंदर है तो ये कुछ की फाइंडिंग है आप इसे पढ़ सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलेगी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में और इस डेटा को देखें तो सारे हाउस होल्ड में से 48.5 परसेंट ऐसे हाउस होल्ड थे परसेंटेज टर्म्स में बात करें जिनमें कोई ना कोई डिप्रीवेशन क्राइटेरिया था विच इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग हम नहीं चाहते कि ऑलमोस्ट 50 परसेंट हाउस होल्ड में ऐसा क्राइटेरिया हो जो डिप्राइव्ड कैटेगरी में अंदर आते हो ठीक है शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड थे ऑलमोस्ट टेन और इनमें भी डिप्रीवेशन क्राइटेरिया फॉलो हो रहा था तो इस डेटा को भी आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन एनालाइज इट ठीक है इसमें डेटा को मैं समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है आपको ये देखना है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें और पॉवर्टी एस्टिमेट की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में एक नया पॉवर्टी मेजर करने का क्राइटेरिया निकाला इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव नाम की संस्थाओं ने इसको कॉम्बिनेशन में रिलीज किया इन टू एंड दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है ये अलग अलग फैक्टर्स को डायमेंशन को स्टडी करता है मतलब जैसे हमने कैलरी इंटेक से हो सकती है उस सब को अलग अलग वेटेज दे देता है और उस वेटेज के हिसाब से दिखाता है कि आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं या नहीं इसका मतलब जो मैं आपको दस क्राइटीरिया बताने वाला हूं उन दस क्राइटीरिया में से अगर थर्टी थ्री परसेंट या वन थर्ड क्राइटी अगर क्राइटेरिया क्वालिफाई करते, तो मतलब करते हो दैट वुड मीन दैट यू आर एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनली पुअर तो आप एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से गुजर रहे हो तो मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं इसने तीन कैटेगरीज और दस कैटेगरीज बनाई तो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वेटेज मिल गया है ना तो टोटल अगर एक मार्क है तो उसमें से वन थर्ड वेटेज हेल्थ वन थर्ड एजुकेशन वन थर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स अब हेल्थ के अंदर भी दो क्राइटेरिया दिए एक न्यूट्रिशन और एक चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि फूड इनटेक आपका न्यूट्रिशियस है या नहीं और चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर फाइव इयर्स ऑफ एज कितने बच्चे पर थाउजेंड मर रहे हैं ठीक है तो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में वन थाउजेंड रखा और यह देखा कि इतने पीरियड में पांच साल से कम बच्चे कितने मर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया हेल्थ नेक्स्ट है एजुकेशन एजुकेशन में भी दो क्राइटेरिया रखे ऑफ स्कूलिंग कितने साल स्कूल गए और स्कूल अटेंडेंस की स्कूल अटेंडेंस कितनी है और तीसरा क्राइटेरिया था लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड में भी छह सब कैटेगरीज हो गई तो इसका मतलब एक लिविंग स्टैंडर्ड की एक सब कैटेगरी में कितनी वेटेज हो गई 1/18 हो गई है ना 1/6 ऑफ 1/3 तो कितना हो गया 1/6 1/3 1/18 तो कुकिंग फ्यूल सैनिटेशन वाटर इलेक्ट्रिसिटी एसेट्स फ्लोर ये सारे क्राइटेरिया बताए कि इनमें आपको चेक करा जाएगा तो टोटल कितने हो गए लिविंग स्टैंडर्ड में छह क्राइटेरिया एजुकेशन में दो क्राइटेरिया और हेल्थ में दो क्राइटेरिया टोटल हो गए 10 क्राइटेरिया अब 10 में से अगर आप तीन में जो स्टैंडर्ड सेट किया है उससे कम आ जाओ तो आप मल्टीडाइमेंशनली पुअर हो और अगर 5 में आ जाओ तो आप एक्सट्रीमली मल्टीडाइमेंशनली पुअर अब 2020 के मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के हिसाब से कुछ फाइंडिंग सामने आई वर्ल्ड में 130 करोड़ लोग ऐसे हैं 130 करोड़ पीपल आर सच हु आर मल्टीडाइमेंशनली पुअर मतलब वो तीन से ज्यादा क्राइटेरिया में पुअर है हाफ ऑफ दिस 130 करोड़ यानी कि लगभग 65 करोड़ 18 साल से कम है 18 साल से कम है बच्चे हैं एटी 84 परसेंट ऑफ दीज पीपल यानी कि ये जो एक सौ तीस करोड़ है उसका चौरासी में कंसेंट्रेटेड है एक साउथ में जो एरिया आता है वो अफ्रीका है और दूसरा साउथ एशिया यानी कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार ये वाला एरिया तो यहां पर एटी ऑफ दीज मल्टी डायमेशनल इंडिया के बारे में फाइंडिंग आई एक पॉजिटिव फाइंडिंग से लेके 2016 से लेकर में इंडिया ने 27 करोड़ लोगों को 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले आया ठीक है टू सम गवर्नमेंट सम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब मिला बट एक नेगेटिव बात क्या कही गई कि कोविड नाइनटीन पैंडमिक जो अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है तीन से दस साल तक इस प्रोग्रेस को वापस लिया गया इसका मतलब जो आपने प्रोग्रेस की थी वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि लोग और नीचे आ जाएंगे पॉवर्टी लाइन के और जो आप प्रेजेंट लेवल पे हो वहां तक दोबारा पहुंचना पड़ेगा आपको तीन से दस साल लगेंगे तो पीछे खींच लिया ये जो प्रोग्रेस हो रही थी उसको किसने कोविड नाइन्टीन सो दैट वॉज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अब हम जस्ट ग्लांस एक लेते हैं कुछ पॉवर्टी अलिविएशन स्कीम्स के ऊपर

कि बैंक लोन मिलने में सब्सिडीज प्रोवाइड हो उनको फूड सब्सिडी प्रोवाइड हो ये सब उसके अंदर डाला तो ये जो पीडीएस सिस्टम है राशन सिस्टम है ये स्टार्ट हो गया आईआरडीपी के अंदर इंदिरा आवास योजना 1985 में स्टार्ट हुई और इसी का सक्सेसर कौन सा है प्रधानमंत्री आवास योजना है ना तो ग्रामीण भी है ये अर्बन भी है लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये रूरल एरियाज के लिए स्टार्ट हुई थी तो रूरल हाउस होल्ड बनाने के लिए उनके कच्चे घरों को पक्का बनाने के लिए ये सुविधा स्टार्ट हुई थी स्कीम स्टार्ट हुई थी फिर नेक्स्ट क्या करोगे एम्प्लॉयमेंट देनी है तो नाइनटीन एटी नाइन में आई जवाहर रोजगार योजना तो इट सेड की जनरेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज टू रूरल एरियाज थ्रू इकोनॉमिक एसेट्स तो एक तरह से जैसे मनरेगा स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम उसी तरह से यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना थी कि आप लोगों को उनके लेबर की कि आप रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो और उससे कुछ एसेट्स क्रिएट करो जैसे वाटर टैंक्स हो गया ठीक है रोड्स हो गया ये सब रूरल एरियाज एस में एसेट क्रिएट करो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम यानी कि सिक्सटी ईयर एंड अबव सिटीजन को आप पेंशन प्रोवाइड करोगे ऑलदोई पेंशन अमाउंट बहुत मीगर अमाउंट था टू हंड्रेड रुपीज फाइव हंड्रेड रुपीज इतनी पेंशन मिलती है अभी भी इतनी पेंशन मिलती है आजकल ये इशू चल रहा है कि इस पेंशन को या तो आप इंक्रीज कर दो या स्कीम को चेंज करो तो 1995 में आई थी ये स्कीम नेक्स्ट 1999 2000 यहां पे आई अन्नपूर्णा स्कीम जहां पे आपको लगा कि सीनियर सिटीजन को सिर्फ पांच सौ रुपए पेंशन देने से काम नहीं चलेगा यू विल हैव टू गिव देम सम फूड ग्रेन्स आल्सो तो फ्री है यहां पर मिलने लगा फिर आई 2005 में अ बिग स्कीम दैट वाज कॉल्ड मनरेगा ठीक है तब उसको नरेगा कहते थे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू ये स्कीम आई थी इसका मतलब ये लॉ बनाया गया एक कानून बनाया गया तो लीगल राइट right होता है जिस भी इंडिविजुअल को मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है क्राइटेरिया के हिसाब से वो उसका लीगल राइट right ठीक है तो डेज एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज के अंदर ये आपको प्रोवाइड करता है फिर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड और नेशनल रूरल लाइवलीहुड ये दो तरीके के मिशन आए जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर फोकस किया विमेन पॉवर्टी रिमूवल के ऊपर फोकस किया क्योंकि यह पाया गया कि जब आप विमेन को एंपावर करते हैं और विमेन को इकोनॉमिकली ग्रोथ करते हो तो पूरी फैमिली इंप्रूव होती है क्योंकि विमेन स्पेंड करती हैं ज्यादा पैसा एजुकेशन पे हेल्थ पे एज कंपेयर टू मेन ठीक है और लास्ट स्कीम 2014 के बाद जिसको हम कह सकते हो कि पॉवर्टी एलिवेशन पे इसका फोकस था वो था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो पीडीएस पीडीएस या राशन मिलता है देखो PDS तो पहले से मिलता था लेकिन एक कानून के तहत एक लॉ के अंदर, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंदरिटी सेवन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन को बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे वन रुपीज टू रुपीज थ्री रुपीज के रेट पे राशन मिलना था वो भी मंथली और ये अराउंड एट्टी करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन मतलब 80 करोड़ पॉपुलेशन को ये मिलता है रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि नीति आयोग की स्टडी के हिसाब से अब इसका जो परसेंटेज है जो इसके beneficiary है स्कीम इस के फूड सिक्योरिटी एक्ट के उनको थोड़ा हमें कम करना चाहिए और पोअरेस्ट ऑफ पोअर पे फोकस करना चाहिए ठीक है वो एक अलग मैटर है जिस पे हम डिबेट कभी और भी किसी और क्लास में कर सकते हैं सो दैट वाज ऑल अबाउट पॉवर्टी द डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड द डिफरेंट क्राइटेरिया टू मेजर पॉवर्टी साथ ही साथ वी आर ऑल्सो सीन सम स्कीम्स जो पॉवर्टी इरेवेशन के लिए इंट्रोड्यूस की गई है आई रियली होप यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल इफ हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट आस ऑन ई मेल आई डी गिवन ऑन योर स्क्रीन यू कैन ऑल्सो वाट्सएप आस ऑन द गिवन नंबर थैंक यू